हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एमसी नॉलेज। और इस नए वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो एओसी मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स निकला है ना, उस वीडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल में बताऊंगा इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसमें आपको कितने मार्क देखने मिलेंगे और क्वेश्चन क्या देखने मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा अंत तक देखिए, आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और कुछ डाउट रह जाता भी तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है ना, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। इसलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इधर आप देख सकते हो जो इसका रिटर्न टेस्ट में आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प मतलब जो एओसी है ना, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प का रिटर्न टेस्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के लिए, अप्लाई करते हैं लेकिन अप्लाई करने के बाद उनके मन में डाउट होगा कि क्या हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के बारे में। इधर आप देख सकते हो सब्जेक्ट में आपको ये दिखा गया है कि सब्जेक्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और इधर आपका मार्क भी 50 देखने के लिए मिल जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिधर आपको 25 मार्क देखने के लिए मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस से भी आपको 25 क्वेश्चन विथ 25 मार्क देखने के लिए मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव से आपको 50 क्वेश्चन विथ 50 मार्क देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल मिला के कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिधर आपको 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इधर आपको बताया गया कि एग्जाम ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक आपको एग्जाम देना पड़ेगा, 2 घंटे तक आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। और इधर आपको कुछ नोट किए बताया गया कि 20 मिनट एक्स्ट्रा फॉर ईच ऑफ आवर मतलब आपको बता दिया गया अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ट से होगे तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 2 घंटा 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ट हो तो। नोट वन में आपको बता दिया गया कि नोट वन में पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपको जो क्वेश्चन है ना, ये तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगी या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी। आपको मैं पहले से बता दिया था एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और इधर आपको डिटेल में बता दिया कि जो क्वेश्चन है ना आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो तो हिंदी लैंग्वेज से आपको दिया जाएगा और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज से आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। एक्सेप्ट इधर आपको एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। नोट टू में आपको इधर बता दिया गया है कि जो आपको इधर भी आपको सेम टाइप का बता दिया गया, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको ओएमआर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे आने के बाद नोट थ्री में बता दिया गया है कि ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको ये जान लेना चाहिए कि जो आप एग्जाम आप दे रहे हो वो एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्क देखने के लिए मिलेगा। इधर आपको बता दिया है कि 0.25 मार्क का रॉन्ग आंसर आपको देखने के लिए, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क का कट कर दिया जाएगा, मतलब लेस कर दिया जाएगा। ये आपको मन में रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से भी बहुत सारे कैंडिडेट रिटर्न में आपको फेल हो जाते हैं, इसीलिए आपको ये भी मन में रखना है। इधर आपको सिलेबस में बताने वाला हूँ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं लेकिन उनके मन में क्या होता है, क्या हम पढ़े, आपको पूरा बुक रटना नहीं है, जो जो आपको सिलेबस में दिया गया है वही आप पढ़ के जाओ, आपके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इधर मैं आपको बता देता हूँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको क्या क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इधर आपको एनालॉजी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, जजमेंट डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, इधर आपको सारे जो दिखा है ये आपका आपको सिलेबस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपको पेपर विल इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन द प्रॉब्लम ऑन रिलेटेड द नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट ऑफ यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, एक्सेट्रा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में देखने के लिए मिल जाएंगे।
और नीचे आने के बाद आपको इधर जनरल अवेयरनेस से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। मैं इससे भी पहले एक वीडियो बना लिया था डिटेल में, लेकिन मैं सोचा कि अलग से सिलेबस के बारे में बनाने से आपको ये छोटा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं आपको एक अलग से वीडियो सिलेबस के बारे में बता दिया। इधर आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री स्पेशल द प्रोसेस स्पोर्ट हिस्टोरी कल्चर ग्राफी इकोनॉमिक सेंस जनरल पॉलिसी आपको इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस से। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्या देखने मिलेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और वर्ब कॉन्फ्रेंस डिरेक्शन ऑफ नरेशन शॉर्टिंग एंड सेंस ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ सफरिंग एंड सेंटेंस आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉन्फ्रेंस आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मतलब आप अगर आप पीडीएफ लोगे तो अच्छे से डिटेल में पढ़ के आपको स्टेप वाइज पढ़ने के लिए मदद होगा, इसीलिए आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहते हो तो उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं एक नए इस तरह के रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।